गुड मॉर्निंग, अभी तो गुड मॉर्निंग नहीं है, गुड आफ्टरनून हो गया है। और आई होप आज सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज है शादी वाला दिन, मतलब शादी वाला इन द सेंस आज बारात वापस आएगी, दुल्हन आएगी आज घर पे। तो अभी दिन के करीब 1 या 2 बज गए होंगे और मैं अभी आई हूँ सैलून, क्योंकि मुझे बालों को थोड़ा सा ठीक करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेकार हो गए मेरे बाल और लोग हो गए ना कॉमेंट भी आ रहे थे। तो मैंने सोचा थोड़ी बात सुन लेती और मैं आगे सैलून, तो मैं सोची आज अपने बालों को थोड़ा सा कर्ल करवाने की सोच रही हूँ। तो देखो क्या होता है, कर्ल करवाती हूँ या जूड़ा बनाती हूँ या कुछ करती हूँ, तो वो तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और ये हमारे घर के पड़ोस में है सैलून, तो ये बहुत पुरानी वाली है, हमारी चाची बोल सकते हो, दीदी भी बोलती हूँ, बहुत ज़्यादा यंग है। अभी मिलाऊंगी, अभी उनके कस्टमर आए तो उनके साथ डील कर रहे हैं वो। मम्मी का तो मैं ही कर दूँगी मेकअप वगैरह कुछ भी। क्या हुआ, सब लोग आए हुए यहाँ पे मेहंदी वगैरह शायद सीख रहे हैं या क्या। तो चलो गाइस मिलती हूँ जब मैं हेयर डू करेंगे, तो उसके बाद मैं आपको मिलाऊंगी। ये है जिनका जो अभी थ्रेडिंग कर रही है, इनका सैलून है, अभी मिलाऊंगी आपको और दिखा देती हूँ मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ का। आप लोग मेहंदी सीख रहे हो, सीख रहे हो कि? अच्छा, तो यहाँ पे ना ये अभी मेहंदी वगैरह सीख रही है, मतलब यहाँ पे जो स्टूडेंट है आ रखे हैं सीखने के लिए। और ये ना कंफर्टेबल नहीं है दिखाने के लिए फेस, तो मैं नहीं दिखाऊंगी इनको अगर कंफर्ट नहीं है। तो देखो कैसी लगाई मेहंदी, अच्छी लगाई है। और यहाँ पे ये जो इनकी आप मम्मी हो, अब ये बोल रही है कि ये ना खुद ही ब्लॉग बनाता है करके, कैमरा पकड़ के बाबू अभी शर्मा रहा है, अभी शर्मा रहा है ना। लड़की है लड़का? लड़की। अच्छा, अभी व्लॉग नहीं बनाना दीदी के साथ, अभी नहीं नहीं बनाना, अभी शर्मा रहा है। जो मैं बोल रही थी ना आपसे, ये चाची है और हम ना इनके मतलब सैलून पे करीब 14 या 15 साल हो गए हैं ना चाची आपके सैलून को। हाँ चलो, हाँ हाय बोल दिया इन्होंने। और ना हम लोग यहीं आते हैं, मतलब मम्मी मैं मेरी चाची सब लोग यहीं आते हैं, तो बहुत अच्छी सर्विस देते हैं। और ये अभी स्ट्रेटनिंग वगैरह ब्राइडल वगैरह भी करते हैं। तो चलो अभी मेरा कर रहा है, मतलब मैं कर्ली करवा रही हूँ हेयर और ये सब लगा लिया कर्लर, और फिर दिखाती हूँ मैं आपको। सो गाइस ये रहा मेरे बालों का लुक, और मैंने मोटे वाले कर्ल रखे हैं नेचुरल जो रहते हैं, और बहुत प्यारे भी लग रहे हैं। और ऊपर से ना थोड़े से बाल खराब हो चुके हैं मेरे, मैंने ये कैरेटिन वगैरह करवाया था तो इस वजह से आगे पार्लर से, और बाल मैंने अपने दिखा रहे थे आपको, और मैं भी हो रही हूँ रेडी हो रही हूँ। तो मुँह पे भी बहुत सारा मैंने सीसी क्रीम लगाया, फाउंडेशन लगाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। और अपनी आईलैसेस लगवाई मैंने, तो खुद ही लगाया मैंने, ये मैग्नेटिक आईलैशेस है तो बहुत इजीली अप्लाई हो जाता है। तो चलो मैं फुल रेडी होंगी तो फिर आपको पूरा लुक दिखाऊंगी अपना। सो गाइस बारात आ गई घर के, थोड़ा सा दूर पहुंची है और हम लोग अभी सब लोग वेलकम करेंगे। तो दूल्हा दुल्हन आपने देख ली, और ये है उत्तराखंड का छोलिया डांस। तो ये बहुत मज़ा आता है डांस करने में, और बहुत सारा मतलब ट्रेडिशनल है ये उत्तराखंड में, तो बहुत प्यारा लगता है मुझे तो ये सुन के और डांस देख के। तो ये ज़रूर ही तो नहीं होता आजकल, तो लोग कोई ढोल वगैरह भी रख लेते हैं और किसी लोग का चॉइस होता है, पर पहले पुराने ज़माने में यही हुआ करता था। तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये देख के, और आपको भी मैंने दिखाया, और आप बताना आपको कैसा लगा। तो ये हैं हमारी भाभी और भैया, तो इनका भी वेलकम करेंगे, तो सारे रिचुअल्स दिखाऊंगी मैं। और ये उतर चुके हैं अभी घोड़ी से है ना, तो पीछे हैं भाई मेरे वैसे छोटा है मुझसे ये, तो बहुत मज़ा आ रहा था। और मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रही थी, और फिर किसी और से अच्छा नहीं लगता शूट करना, तो जो जो होगा मैं दिखाऊंगी। और यहाँ पे सबसे पहले नज़र उतार रहे हैं ये चाची हैं जो नज़र उतार रही हैं, तो अभी इनको अंदर लेके जाएंगे। और ये हैं रेनू दीदी, भाभी और भाभी ना, और भैया बहुत अच्छा डांस करते हैं, और साथ में कविता मतलब बुआ की बेटी। वाला काम होता है, मतलब 3-4 दिन से बेचारे ये डांस ही करते रहते हैं, और मैं यहाँ पे नेक दे रही थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी संस्कृति है हमारी जो हमें ऐसा देखने को मिला। और यहाँ पे अभी बहू का जो नई भाभी है उनका वेलकम हो रहा है, सबसे पहले मम्मी टीका लगाती हैं, चाची भाभी ताई तो सब लोग, बहनें जो बड़ी दीदी होती हैं वो भी टीका लगाती हैं, तो वो भी टीका लगाएंगी, आरती उतारेंगी, और ये पानी से इनको पूजेंगी, इनकी मतलब नज़र टाइप उतारते हैं, और फिर अंदर तब घर के अंदर प्रवेश करेंगी, और फिर वहाँ पर बहनों का नेग होता है जैसा आपको पता है।
मम्मी चाचियाँ हैं ये तीनों मेरी, तो ये लोग फुल लुक दे रहे हैं, बहुत मज़ा कर रही हैं, बहुत प्यारी भी लग रही हैं सबके सब, है ना, एकदम ट्रेडिशनल ड्रेस में के साथ और पहाड़ी कल्चर के साथ। तो और ये रही मैं, तो मैंने बहुत सिंपल और एलिगेंट लुक रखा है, और आप बताना आपको कैसा लग रहा है। और मैं वीडियो बनाती बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और ये रहे हमारे नए ब्राइड एंड ग्रूम, और बहुत प्यारे लग रहे थे दोनों साथ में, इन्होंने कपल डांस किया, और हमारे ना कंपल्सरी होता है, इनको करना ही पड़ता है। और आप बताना आपको कैसा लगा आज का वीडियो, आई होप आपने इंजॉय किया होगा। और इसके बाद हमने खाना वाना खाया और फुल डांस किया, और फिर मैंने रिकॉर्ड करना बंद कर दिया था। और गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और मेरे भाई भाभी बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।